Assalamualaikum friends, welcome back to आप विजय दुबई। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपके दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। तो दोस्तों हमारा जो है LG का नेक्स्ट टॉप आ गया है। पहले मैंने वीडियो डाली थी LG V50 की, सॉरी V60 की, जिसमें मैंने आपको स्पेक्स भी बताए थे और प्राइस अपडेट भी बताई थी। तो अब नेक्स्ट टॉप भी हमारा आ चुका है, LG G7 का स्टॉप हमारे पास आ गया है, क्योंकि काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें छोटी रेंज में कम रेंज में फ़ोन चाहिए। तो ये फ़ोन शॉर्ट हुआ हुआ था, अभी दोबारा मंगवाया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जिस तरह की आप देख सकते हैं मेरे हाथ में LG G7 का स्टॉक है, अवेलेबल है। सबसे पहले अगर मैं वो कंडीशन की बात करूँ तो कंडीशन की काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी, 10 on time मिलेगी, 10 on time में ही मिलेंगे। मगर जिस तरह का आपको पता है, हर बार ही मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हल्के मुल्के यूज़ के निशानात होते हैं, वो क्योंकि जर्मन फोन आते हैं, पेयर वगैरह नहीं होते। फिर भी मगर आपको मैं हल्की थोड़ी सी तो जल्दी दिखा देता हूँ, साइडों से भी, फ्रंट से भी, टॉप से भी, तकरीबन ये बिल्कुल फ्रेश फ़ोन है। कलर्स में भी मेरे पास दो अवेलेबल हैं, जिसमें आपको एक ब्लैक कलर मिल जाएगा और एक आपको सिल्वर कलर मिल जाएगा। डिस्प्ले जो है इनका बिल्कुल क्लीन डिस्प्ले होगा, इसके अंदर कोई डॉट या कोई शेड या कोई चीज़ इसके अंदर आपको ऐसी नहीं मिलेगी। जिस किसी भाई ने ऑनलाइन बाय करना हो वो ऑनलाइन भी बाय कर सकता है, और किसी ने अगर शॉप विजिट करके लेना हो तो वो शॉप विजिट भी कर सकता है। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि रेट वाइज जो है थोड़ी नीचे आ जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने भी G8X वगैरह V50 मंगाए थे तो वो 30 से ऊपर चले जाते हैं। तो अक्सर लोग ये कहते हैं यार हमारा इतना बजट नहीं है, मैं थोड़ा नीचे बजट में, और LG भी लोग लाइक करते हैं ताकि LG क्योंकि प्रोसेसर अच्छा बनाता है और परफॉर्मेंस अच्छी होती है LG की, इसलिए लोग लाइक करते हैं LG को। और हमारा शुरू से LG का काम रहा है, शुरू वीडियो से हम LG का भी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको इसके स्पेक्स बता देता हूँ। ये 4/64 में है, इसके अंदर दो वेरियंट आते हैं, एक LG G7 आता है, एक LG G7 Plus आता है। G7 Plus जो होता है वो अभी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ मेरे पास G7 सिंपल वाला अवेलेबल है। 4 GB रैम है इसकी, 64 GB बिल्ट इन मेमोरी होती है, 3000 mAh बैटरी आपको अंदर मिलती है इसके, 3000 mAh जो कि पूरा दिन आपका स्क्रीन से निकाल देती है। ये नॉर्मल स्मार्ट पे अगर आप गेमिंग करेंगे या आप अगर फोटो खींचेंगे वीडियोज वगैरह ज़्यादा बनाएंगे तो वो जाहिर बात है जिस तरह का आपका यूज़ होगा उसी तरह का ही बैटरी आपको टाइम देगा, बैटरी बैकअप देगा। 4 GB रैम होती है, 64 बिल्ट इन, 3000 mAh बैटरी के साथ ही आपको मिलता है, 60 FPS इसका कैमरा होता है जो वीडियो भी अच्छी बनाता है, आपका पोर्ट्रेट तस्वीरें भी खींच लेता है। डबल कैमरा होता है, बैक पर ड्यूल कैमरा सेटअप है, एक आपको ऑप्टिकल कैमरा मिलता है, जूम कैमरा सॉरी एक वाइड एंगल मिलेगा आपको, और एक इसमें मिलेगा स्टैंडर्ड कैमरा। इसके अंदर दो कैमरे ही अवेलेबल होते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक इसके अंदर आपको मिलेगा वाइड एंगल कैमरा। फिंगर लॉक भी इसके अंदर होता है, बैक पे आपको फिंगर लॉक मिलेगा। टोटल हैंडी लुक में ये फ़ोन होता है, एक हाथ में आप वन हैंड यूज़ आप इजीली इसको कर सकते हैं। इसका आपको ये नहीं होगा कि यार मुश्किल हो रही है पकड़ने में, क्योंकि ये बिल्कुल हैंडी फोन उन्होंने बनाया, बहुत ही कमाल डिस्प्ले है इसका। मैं आपको इसका डिस्प्ले भी चेक करवा देता हूँ, जिस तरह की आप देख सकते हैं नॉच डिस्प्ले में ये फ़ोन है। फ्रंट डिस्प्ले बहुत कमाल है इसका। प्रोसेसर की अगर मैं बात करूँ गेमिंग के हवाले से तो दोस्तों इसके अंदर स्नैपड्रैगन 845 लगा हुआ होता है। काफ़ी लोग जो है वो गेमिंग के हवाले से भी चाहते हैं कि यार चलो हमारी गेम भी चल जाए, हमारा इतना बजट भी ऊपर ना जाए, अंदर अंदर ही थोड़ी मुनासिब रेंज में ही हमें मिल जाए। तो स्नैपड्रैगन इसका 845 में आपको ये फ़ोन मिलेगा। स्पीकर्स भी इसके बड़े प्यारे हैं। दूसरी चीज़, मेन चीज़ जो है प्राइस, प्राइस के हवाले से दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट टाइम भी इसके प्राइस अप हुए हुए थे, क्योंकि आपको पता है जो भी स्टॉक पीछे से आ रहा है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रेट थोड़े से अबव जा रहे हैं। तो प्राइस पहले भी इसके 24-25 हज़ार में हमने बेचे हैं फ़ोन LG G7 के। तो हर एक बंदा अब ये बोलता है कि यार आप लोग पहले भी इतने का था तो अभी इतने दिनों बाद भी इतने का है। ये इम्पोर्टेड फ़ोन होते हैं, इनके ऑनलाइन प्राइस आप चेक करेंगे तो 70-80 हज़ार रुपये की किट होती है, इम्पोर्टेड होता है फ़ोन। इम्पोर्ट में आने के बाद इसका रेट थोड़ा नीचे आ जाता है, तो मगर इतना नीचे नहीं आता था इसलिए इसका रेट जो है ऊपर नीचे होता रहता है, ये स्टेबल नहीं रहता, ये डब्बा पैक फ़ोन नहीं आते। जिस तरह कि आपका इन्फिनिक्स टेक्नो होता है, अभी अगर आप वो देखें इन्फिनिक्स टेक्नो को, तो 4 GB वाला इन्फिनिक्स का टेक्नो का फ़ोन भी 36-40 हज़ार रुपये से ऊपर का गया हुआ है। डब्बा पैक फ़ोन इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो उनके मुकाबले में ये फ़ोन बहुत ज़्यादा बेस्ट फ़ोन है,
क्योंकि ये जो है आपको क्वालकॉम प्रोसेसर में मिलते हैं, अच्छे परफॉर्मेंस में मिलते हैं, जेन्युइन क्वालिटी ब्रांडेड फ़ोन होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस्तेमाल करने का। दोस्तों इसके प्राइस की बात करूँ तो मैं जिस किसी भाई ने भी ये मुझसे बाय करना होगा, मेरे पास भी अच्छा खासा स्टॉक पड़ा हुआ है इसका, 22,500 में इस भाई को मिल जाएगा, 22,500 में ये आपको फ़ोन अवेलेबल हो जाएगा। पूरे पाकिस्तान में हमारी डिलीवरी फ्री होती है, बगैर कैश और डिलीवरी अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जिस किसी भाई ने भी ये फ़ोन बाय करना हो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है, ऑनलाइन भी करना हो, शॉप पे आना हो, तो एड्रेस अगर किसी भाई ने इसी फ़ोन के बारे में कुछ मोर डिटेल चाहिए हो तो भी व्हाट्सएप पे मुझे रब्ता कर सकते हैं। कोशिश करें वर्किंग डेज में ही रब्ता किया करें, छुट्टी वाले दिन या ओवरनाइट आप मैसेज ना किया करें या कॉल ना किया करें, क्योंकि हम अटेंड नहीं कर सकते। तो बकाया नेक्स्ट वीडियो तक दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द जल्दी नई वीडियो लेकर आऊँ, तो आप अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।